हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आप जेंट्स पठानी सलवार की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है, उन्होंने हमसे पूछा है आप कलीदार सलवार पठानी सलवार की कटिंग किस तरह से करें ताकि जो उसका घेरा होता है वो 40 इंच का हो जाए। और दोस्तों साथ में आपको बता देते हैं, हमने पठानी सलवार के ऊपर एक पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप पठानी सलवार की तीन कलियों वाली सलवारें जो होती हैं उसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और आपको आसानी से बताएंगे आप कटिंग करते वक्त अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना आप चाहें उसका घेरा रख सकते हैं, आपको किस तरह से कटिंग करनी होती है ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं पठानी जेंट सलवार की जो तीन कलियों वाली सलवार होती है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास फैब्रिक है और जो हमारा फैब्रिक है ये 2.5 मीटर का है। दोस्तों हैवी सलवार बनाने के लिए आपको कम से कम 2.5 मीटर का जो कपड़ा जो चाहिए होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से खोल लिया है और इसको बिछा लिया है। एक लेयर तो ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, हमने इस कपड़े को दो लेयर में इस तरह से बिछा लिया है। और दोस्तों इस तरह से बिछाने के बाद हम आपको बताते हैं इसकी जो मेजरमेंट है वो किस तरह से है। दोस्तों जो इसकी जो हम लंबाई रखने वाले हैं वो रखेंगे 36.5 इंच की, और दोस्तों जो इसकी मोहरी रखने वाले हैं वो रखेंगे हम 16 इंच की। दोस्तों हम जो इसके पट रखेंगे वो रखेंगे घेरे के अकॉर्डिंग, हमें किस तरह से कितना कटिंग करना है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे दोस्तों ये लंबाई है 36.5 इंच की, और 36.5 इंच में हम 2.5 इंच और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37, 38, 39। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहले हमारे निशान लगाएंगे हम वो लगाएंगे 39 इंच पे। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ हमारा 39 हो चुका है, और यहाँ पर हमारे जो फीते का जो लास्ट है हम यहाँ पर इस निशान को लगा देंगे। दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं हमने 36.5 में 2.5 इंच किस लिए ऐड किया है। दोस्तों जो हमारी लंबाई वो 36.5 इंच की है, और 2 इंच हमारे आ जाएगा दोस्तों नेफे में ऊपर की तरफ घेरे में फोल्ड करने के लिए, और 0.5 इंच दोस्तों हम नीचे की तरफ जो पोंछे बनाएंगे उसमें ये दबाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 39 इंच पर आ रहा है यहाँ पर हम सीधा निशान लगा देंगे और इसको कैंची से अलग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 39 इंच की जो लंबाई हमारी काट ली है, और ये जो हमारा कपड़ा है अभी तो ये हमने सिर्फ 2 लेयर इसको फोल्ड किया है, लेकिन अब हम इसको 4 लेयर फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें निकालेंगे जो हमारे पट्टे होते हैं। पट्टे निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लगाएंगे जो हमारी मोहरी है उसके निशान, जैसा कि जो हमारी मोहरी है वो है ये 16 इंच की। पहले जो 16 है हमारा उसका 16 का आधा करेंगे 8, तो ये हमारा यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया, और इसी तरह से एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे 8 इंच पर, और इसी तरह से एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे। और दोस्तों इन तीनों निशानों को लगाने के बाद हम इन निशानों को फुटे से बिल्कुल सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर निशानों को आपस में मिला लिया है, और इन्हीं निशानों के ऊपर से अब हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो फालतू कपड़ा है हमारा ये बाहर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस कपड़े को बिल्कुल अलग कर लिया है, और इस जो हमारे पट्टे की जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है 8 इंच की, यानी ये जो हमारे इसकी जो हम मोहरी बनाने वाले हैं यानी पोंछे बनाने वाले हैं वो रखेंगे 16 इंच का। तो यहाँ पर हम 16 इंच को लिख देते हैं। इस पट्टे को निकालने के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम निकालेंगे कलियों को। देखिए दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है ये इस कपड़े में से हम कलियाँ निकालेंगे, पहले वाले यहाँ से जो हमारा कपड़ा था उसमें से निकाला है हमने पट्टा, और इसमें से हम निकालेंगे कलियाँ। कलियाँ निकालने के लिए दोस्तों जिस तरह से हमने उसमें हमारे पट्टे में लंबाई लगाई थी वो थी हमारी 39 इंच की, तो इसमें भी हम 39 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
यह हमारा है जो निशान हो चुका है, और यहाँ पर एक निशान हम और लगाएंगे, जो लगाएंगे ढाई इंच पर। यह हमने ढाई इंच पर एक निशान लगा लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दें ढाई इंच हमने किस तरह से लिया है। यहाँ पर देखिए हमारा जो आधा इंच है वो चला जाएगा मार्जिन में, उसके बाद आधा इंच जाने के बाद यहाँ बचता है हमारा दो इंच, दो इंच में एक इंच हमारा जुड़ जाएगा पोंछे के दबाव में, और एक इंच जो हमारा बचेगा ये हम इसको लूजिंग के लिए रख लेंगे। इस तरह से यहाँ हमने ढाई इंच ले लिया है, और उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 16 इंच पर। यह हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया है, और उसके बाद इस निशान को फुटे से सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस निशान को जो सीधा कर लिया है। उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे कलियाँ। कलियाँ निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे एक 13 इंच पर निशान। यहाँ से जो हमारे किनार है यहाँ से हम पर एक निशान लगाएंगे, ऐसे ही निशान हम लगाएंगे ऊपर की तरफ, और इन दोनों निशानों को फुटे से आपस में बिल्कुल सीधा करेंगे। और उसके बाद इस निशान को और ये जो हमारी मोहरी के निशान हैं इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे। दोस्तों जो हमने जो निशान लगाकर आपको बताए हैं इन निशानों के जरिए से हम 40 इंच का घेरा निकालने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारी कलियां हैं और ये हैं हमारे पास पट्टे, और इन पट्टों को हम इस तरह से बिछा लेते हैं। और दोस्तों इन पट्टे को इस तरह से बिछाएंगे, ये जो हमारे पट्टे ये जो पट्टे हैं इन कलियों के ऊपर करीब आधा आधा इंच ऊपर चढ़ जाएं। ये हमारे पट्टे हैं, ये सलवार हैं। हम आपको बताते हैं जो हमारा घेरा है वो किस तरह से हमने निकाला है। ये जो हमारे जो पट्टे काटे थे वो काटे थे 8 इंच के, और जो हमने इसकी जो कलियाँ काटी हैं वो काटी हैं 13 इंच की। तो देखिए दोस्तों ये हमने इन कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर है जो रख लिया है, और उसके बाद हम नापते हैं जो हमारा घेरा बचेगा वो कितना बनता है। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा निशान है यहाँ पर जो हमारा फीता आ रहा है ये 20.5 इंच है, यानी 20.5 इंच है, और इसको आधा इंच और पीछे करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो ये निशान हमने लगा लिया है यहाँ पर ये हमारा जो दबाव में चला जाएगा, और दबाव में जाने के बाद जो हमारा जो बिल्कुल घेरा तैयार बचेगा वो बचेगा हमारे पास 20 इंच का। दोस्तों ये जो हमारी सलवार है हम आपको जिसकी कटिंग करके बता रहे हैं ये है जो 40 इंच के घेरे की जो सलवार बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको कम घेरा चाहिए, मान लीजिए आपको 38 इंच का घेरा चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसको आधा इंच और कम कर देना है, और दोस्तों अगर आपको 36 इंच चाहिए तो आपको यहाँ पर एक इंच और कम कर देना है। अगर दोस्तों आपको 40 की बजाय आपको 42 इंच का घेरा चाहिए तो आपको यहाँ पर आधा इंच और बढ़ा देना है, और अगर आपको 44 इंच का चाहिए तो आपको यहाँ से एक इंच बढ़ा देना है। यहाँ से निशान लगाने के बाद इस निशान के ऊपर से अब हम इस सारे की कलियों की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारी दो कलियां हैं उनको हमने निकाल लिया है। उसके बाद इस साइड वाले कपड़े को रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये जो हमारी दो कलियां हैं इनको भी इन्हीं कपड़े के ऊपर इसी तरह से रख देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारी ऊपर वाली कलियां हैं हमने इन नीचे वाले कपड़े के ऊपर इसको बिछा लिया है, और इसी की नाप के अकॉर्डिंग जो हमारी ऊपर वाली कलियां हैं इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाली कलियों को काटना है, और इनको जो हमारी ऊपर वाली कलियाँ हैं इनके बिल्कुल बराबर काटेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये हमारी दो कलियां हैं इनका तो मुँह जो खुला हुआ है, लेकिन जो हमारी नीचे वाली दो कलियां हैं इनका मुँह बंद है, और इनको खोलने के लिए हम यहां से बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारी सलवार है कट कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये हैं जो हमारी कलियाँ हैं, और ये है हमारे पास इनके पट्टे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें यहाँ पर म्यानी भी लगा सकते हैं, जो हमारी म्याने हैं यहाँ लग जाएगी, और यहाँ पर हम बना देंगे पोंछे, और ऊपर की तरफ से 2 इंच हमारा घेरा है जो फोल्ड हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है आप पठानी सलवार जो हैवी सलवार होती है उसकी कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कोई इसी तरह की अगली कोई यूजफुल वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।